हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टारगेट्स और हम लेके आए हैं उप सर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कु उपसर्ग से बना देशज शब्द कौन सा है? तो आपको राइट आंसर बताना होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तीनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सत्कार में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताएं। अच्छाई, अनुच्छेद, परिच्छेद, उच्छ बास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट को तो देखते हैं। अनुचित शब्द में उपसर्ग है, तो अनुचित शब्द में उपसर्ग होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वो क्वेश्चन देखते हैं। सु उपसर्ग किस शब्द में है? ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन जी बी सुप्त, ऑप्शन सी स्वागत, ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निष्कर्म। निष्कर्म में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में अन उपसर्ग का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनावश्यक, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन डी अनादर, ऑप्शन डी अनबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनबन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसका ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी तर्जनी, ऑप्शन सी गर्जन, ऑप्शन डी निर्धन। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्धन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर में चलते हैं। उपन्यासी शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी उन, ऑप्शन बी उन हलंत, ऑप्शन डी उत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उन। क्वेश्चन नंबर 10, गृह शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि अर्थ संग्रह हो जाए? ऑप्शन ए परी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी नी। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, परी। पली परस ग्रह, परी ग्रह। प्रश्न नंबर 12, सम्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सुम, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन बी सा, डी सा। तो उसका राइट आंसर बताएं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सम, हलंद वाला। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस शब्द में तत् उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए तल्लीन, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तदंतर, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तिरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। अलबत्ता शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन बी डी आ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल। नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं। बिन ब्याह शब्द में उपसर्ग है,
तो इसका राइट आंसर आप तुमको बताना होगा, बिन ब्याह में उपसर्ग कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिन। प्रश्न नंबर 16, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अत, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन सी अत्य। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति प्लस अंत अत्यंत। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग के रूप में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए सुयोग्य, ऑप्शन बी स्वार्थ, ऑप्शन बी सुपुत्र, ऑप्शन बी सुहाग, ऑप्शन डी सुहाग। तो उसका राइट आंसर बताएं, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुयोग्य, इसमें सु का प्रयोग नहीं हुआ। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आहार, ऑप्शन बी काहार, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन बी पिरहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काहार। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सब, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन बी सा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि किस में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम में इसका प्रयोग हुआ है। स्वाधीन में उपसर्ग है सु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। प्लीज़ आप जल्दी आंसर बताएं इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, स्वाधीन में उपसर्ग है, ऑप्शन ए सो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बेवकूफ, बेवकूफ शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आकाश में उपसर्ग है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस शब्द में पिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी प्रस्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर ए उपन्यास, नंबर बी उन्दम, नंबर सी उपमंत्री, नंबर डी उपकार। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसके ऑप्शन डी हैं, ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर, अंतर में इसका प्रयोग हुआ है उपसर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन प्रश्न नंबर 26, पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परा, परा प्लस जय, पराजय शब्द का उपसर्ग प्रयोग हुआ है। प्रतिहार में उपसर्ग है, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उन्नति में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सज्जन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, राइट आंसर बताएं इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्य, सज्जन में सत्य का प्रयोग किया गया है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी बू, ऑप्शन सी शबू, ऑप्शन बी खू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खुश।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्दोष में निर का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32, नाइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी नाई, ऑप्शन बी नाइन, ऑप्शन बी नाइन। तो आपको बताना है नाइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ना, नाइंसाफी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर बनाना है आपको, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण में उपसर्ग तथा मूल शब्द होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूजन में कौन सा उपसर्ग है? तो उसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सो। सूजन में सू का प्रयोग, ऑप्शन डी का प्रयोग किया गया है। आणविक में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वह शब्द जो उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर बताएं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में सिर्फ दृष्टि शुद्ध है, बाकी सारे उपसर्ग जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 39, तृतीय पर शब्द में उपसर्ग निहित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तृतीय पर शब्द में उपसर्ग निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति। प्रश्न नंबर 40, अन्वय एवं अनुपयोग शब्दों में उपसर्ग होंगे। अन्वय एवं अनुपयोग शब्दों में उपसर्ग होंगे, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनु जो हो गया वो अन्वय में हो गया, अन जो हो गया अनुपयोग में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निंदा। निंदा में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 42, पर्यवेक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परि प्लस अब प्लस ईक्षण, पर्यवेक्षण। प्रश्न नंबर 42 की तरफ चलते हैं, प्रतिकूल व प्रहलाद शब्दों में उपसर्ग होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति और प्र, जो उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 44, प्रच्छन्न शब्द में उपसर्ग बस शब्द होंगे। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिर प्रच्छन्न। प्रश्न नंबर 45, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कठिन उत्कर्ष। किस शब्द में उपकर्ष का प्रयोग हुआ है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो आपका राइट आंसर हो गया उत्कर्ष। प्रश्न नंबर 46, पराधीन एवं परोक्ष शब्दों में उपसर्ग होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर प्लस अधीन, पर प्लस परोक्ष। परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशियस शब्द में पूर्व कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि विपरीतार्थक शब्द बन जाए, विपरीतार्थक शब्द बन जाए। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिर। चिर जो है उपसर्ग के रूप में चिरायु में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 49, स्वेच्छा स्वागत शब्दों में उपसर्ग है। इसका राइट आंसर बताना है आपको, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं प्लस सु। स्वागत में सु का प्रयोग हुआ है, स्वेच्छा में स्वे का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 50, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका ए कुफल, ऑप्शन बी कुरूप, ऑप्शन बी कुमार, ऑप्शन डी कुसुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुसुम। तो फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के चैप्टर वाइज जो हम वीडियो बना रहे हैं इस टाइम, वो चैप्टर वाइज बना रहे हैं, सारे चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। उसके बाद फिर हम मिक्स करके वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बताएं फ्रेंड आपने कितने क्वेश्चन किए? तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।